कोई दीवाना कहता है, आए हाय, कोई पागल समझता है। वाह वाह, क्या ऐसी हरकतें करेगी तो यही समझेंगे लोग। अब लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। डायलॉग होता है राज साहब, ये किसी शायर की अधूरी शायरी है। उखड़ा लिख के कोई अंतरा लिखना भूल गया। अधूरा होना गुनाह नहीं है, जाम अधूरा हो तो क्या हुआ, नशा पूरा देता। आज तो मतलब बिल्कुल कमाल कर दिया भैया। पत्ते तो पहले खेलती थी, शराब भी पीने लगी अभी। ये शायरी का भूत कहां से चढ़ गया आज आप पे? क्यों, हम खानदानी कवि हैं। खानदानी खानदानी है, ये ट्रकों के पीछे लिखा नहीं होता बच्चे दो ही अच्छे। देखो कपूर, तुम्हें पता नहीं लेकिन मेरे दादाजी बहुत बड़े शायर थे। अच्छा, उन्हें बेस्ट शायर का अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, हाँ, लोग अवार्ड हाथ में देते ना। हाँ। इनके दादाजी को माथे भी दिया करते, जब कहा है चलते मुशायरे पे मंच पे नहीं आना। एक बार कवि से मिलो ना, ऐसे बैठे हुए थे, बगल वाले कवि का पर्स मार लिया, कहते मैं चलता हूँ, कहते अरे कविता तो बढ़िया, कहते नहीं मेरा हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। सावन में भीगने का अपना एक मजा है। क्या बात, सावन में भीगने का क्या बात है, अपना एक मजा है। इस आदमी से बात करना अपने आप में सजा है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है तुमने, दिल करता है तुम्हें गले लगा लूं मैं। मेरा दिल करता है उसी गले में दो चार मुक्का लगा दूं। और ऐसे तुमने मान जाना धीरे धीरे करके। खैर कोई बात नहीं, सरला देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं। हेलो कुमार सर, हेलो राज सर, हेलो मैम, हाय। इतने बड़े बड़े लोग आए, शायरी बोलनी थी तो मुझसे बोलती, मैं तुम्हें सिखा देता। सरला के लिए एक शेर अर्ज़े पाजी। दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, चाय पीने से पहले दो तीन बार छान लीजिए। क्या प्रोफेशनल शेर, वाह वाह वाह, क्या कहने। अमानत है तो खयानत है, वाह, अमानत है तो खयानत है, इस घटिया शायरी पे 10 किलो लानत है। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको जानत नहीं है, उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको जानत नहीं है, उसको आंखें दिखाती हो जो अपने आप में मानत है। जानत नहीं है, जानत है। क्या बोल गया ये। एक बार फिर से बोल दूं? हाँ दोबारा, मुकर्रर। वाह 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 वाह, बोलिए। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको नहीं है जानत, उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको नहीं है जानत, और उसको आंखें दिखाती हो जो अपने आप में है मानत। बहुत अच्छे चंदू, अब तुम चुप हो जावत प्लीज। हेलो राज जी, नमस्ते। हेलो शबीना जी, हेलो विश्वास कुमार जी। विश्वास कुमार नहीं, कुमार विश्वास है। देखो मुझे इन पे विश्वास है, इनको मुझ पे विश्वास है, तो आप ये अंधविश्वास बन के बीच में क्यों घुस रहे हैं? माफ कीजिए, हमारे हॉस्पिटल में नर्स है। ये नर्स नहीं, ये फर्श है। ये फटा हुआ पर्स है। और तुम पकौड़ा हो। ए? ये तो राइमिंग बनी नहीं। कोई बात नहीं, पकौड़ा तो बन गया कि नहीं। अच्छा है, वाह। ये बताओ बंपर, तुम बीच में कहाँ घुस आई हो? देखिए कहीं भी अगर मुशायरा हो तो ये गजल तो आएगी ही ना। तुम तो गजरेला हो, ट्रिपल एक्सएल का ठेला हो, और ऐसे लगता है मुंबई गुजरात तक फैला हो। खैर कोई बात नहीं, ब्राह जी मुझे भी एक जरा मौका दीजिए, मैं भी एक शेर अज़्र करना चाहूंगी। शायरी कहाँ से आ गई? मेरी शायरी यहाँ से आ गई है। कहाँ से आ गई? क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? अरे वाह। 3 दिन पुराना पिज्जा है चंदू, तुम खाओगे?
पाजी, तीन चीजें जिंदगी में मिलती हैं बड़ी मुश्किल, दौलत, इज्जत और शोहरत। तीन चीजें जिंदगी में मिलती हैं बड़ी मुश्किल, दौलत, इज्जत और शोहरत। दिन भर आदमी और रात को 9 से 10 औरत। बहुत अच्छे, वाह, कमाल कर दिया यार। पाजी एक शेर रच किया है कि अपनी निगाहों से अपनी निगाहों से यू ना घायल करो, अपनी निगाहों से यू ना घायल करो, यू ना घायल करो, कि ऐसे नहीं जाएंगे भाई, 100 नंबर डायल करो। मैंने भी अज़र किया है, अज़र कर दिया। नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको। रोको, नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको, नफरतों, नफरतों, आगे, नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको, आगे, रोको गुरु, रोको, 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 रोको। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया। टाइम खराब किया है इनका, पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहत इंदौरी साहब के लिए, डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए, शबीना जी के लिए। आई लव यू। सरला, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और नेटवर्क आ रहा है पूरा उधर। ये क्या हो रहा था? अप्रैल फूल। यू ब्लडी फूल, फूल बनाने का इतना शौक है तो एटलीस्ट गोभी का फूल बना लेते, रात का डिनर का इंतजाम तो हो जाता। इसे खाने की पड़ी रहती है। तुमको बहुत मजा आ रहा है ना, ये चंदू चाय वाला मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? तो और तुम्हारे साथ जस्टिन बीबर फ्लर्ट करेगा। क्या कमी इसमें, इतना अच्छा थर्ड क्लास लड़का मिल रहा है तुम्हें। यार कपू शर्मा, तुम्हारे थ्रू रिजेक्ट होने से अच्छा है मैं सेल्फ रिजेक्ट हो जाऊंगा। रिजेक्ट तो तुमको खुद को कर लेना चाहिए था। अच्छा, और मैं ठहरी कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी, तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती। तो कौन सा कॉन्वेंट स्कूल होता है जिसमें पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाते हैं? और वैसे भी स्कूल में लड़कों को मुर्गा बनाते हैं, इनके स्कूल में लड़कियों को भी मुर्गी बना देते थे। झूठ बोल रहा है तू, कभी भी नहीं बनी वो, बत्तख बनती थी वो। सरला, एक बात बताऊं? बताओ। वैसे प्यार की कोई भाषा नहीं होती। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं किसी गधे से शादी कर लूं। अरे सरला, गधे से क्यों कर रही है, मैं हूं ना। ओ यार, उसने गधा बोला, लोमड़ा थोड़ी बोला है। यार मैं तो अपने काम के लिए आया था, काम की बात हो ही नहीं रही। तुम्हारे चक्कर में मेरा काम खराब हो रहा है और तुम दोनों के चक्कर में मेरा मूड खराब हो रहा है। देखो मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। तेरी शादी सरला से हो जाएगी, तू अस्पताल में शिफ्ट हो जा, इसको वो दुकान दे देते हैं, क्या बोलता है? इस आइडिया से अच्छी भी चीज है मेरे पास। वेरी गुड कपू। क्या चल, भी बाहर निकल, चल निकल, चल 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 निकल। गए फाइनली कपू, सोसाइटी में कोई नहीं है, झाड़ू लगा फिर। कपू यार, कितना सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, चलो ना, मैं भीगती हूँ, बड़ा मजा आएगा। भीग के तू बहुत गंदी लगती है, ऐसे बिल्ली के बच्चे जैसी 2.5 किलो की निकल आती है। चल चल ना ना, तेरे तो भीगना भीगना बिल्कुल नहीं, चलो जाके अंदर रेस्ट करो, चल के मेरे मेहमान आने वाले हैं, चलो। यार किसी दिन कोई तुम्हारा मेहमान आके ना मुझे उठाकर ले जाएगा, तब तुम याद करो, मैं बड़ा खुश होऊंगा। चलो मुझे सुनना ही नहीं आ सरलू, सरला, पतक जैसी लड़की बाजी देना, आते ही आपकी हंसी निकल जाएगी। नमस्ते 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 बेटा। फुट टच करो। नहीं नहीं, जूते उतार लेती है ध्यान से। बेटा कुछ चाय बनाई है ना, लेकर आओ, और हाँ जीएसटी भी लेकर आना, खिलाओ इनको जरा। उन्होंने किस चीज का टैक्स देना, भी उन्होंने क्या लिया? ओह माय गॉड, तानू मैं कुछ नहीं कहना। जीएसटी का मतलब है ग्रिल सैंडविच टोस्ट। अरे रहने दीजिए मौसी, मेरा मतलब दीदी, जिनकी पहले से वैट लगी हो उन्हें जीएसटी का क्या पता होगा। देखा जुगराज जी, लड़की कैसे ईंट का जवाब पत्थर से देती है। इसके लिए तो यही लड़का सही रहेगा।
पगड़ी मैचिंग है। हाँ तू रंग दे ले। और आपको पता फायदा भी ऐसी बीवी का, आप हॉकी वॉकी खेल के आए थके, अपना भी तो टाइम पास करना होता ना, पत्ते बड़ा अच्छा खेलती आएगी, आओ भाई आए। खैर छोड़ो बाजी, बड़ी संस्कारी लड़की है, मैं तो कहती अभी के अभी कुंडलियां मिला लो, हाय 36 के 36 गुण मिलेंगे। हाँ एक बार तो तलाशी ली इनके घर की, कटोरी और चम्मच भी मिले थे, गुण नहीं मिलते इनके। कपूर तुम कब तक कटोरी और चम्मच ढूंढते रहोगे? हाँ कभी तो दिल भी ढूंढ लिया करो। ये तो मामला गड़बड़ है भाजी। मामला भाजी पूरा गड़बड़ है, कुड़ी ने नहीं सुधरना। मैं इसके लिए बिरयानी देख रही हूँ, खिचड़ी पे डुली हुई है। देखो इनकी शादी तो नहीं हो सकती, इनकी तो हॉकी इनसे लंबी होती है। ओ कप्पू बेबी, ये लड़की देखने आए हैं, हॉकी के लिए लकड़ी थोड़ी है ना। लड़की बड़ी संस्कारी जी, बहुत। नहीं नहीं साडा मुंडा भी बड़ा संस्कारी है जी। जो ऐसे चुप लोग होते हैं ना, एक सेंटर में जाकर एक्चुअली होता है, होता है सारा ही पता है, पता है ना, जो सबसे ज्यादा शांत होता है ना, ऐसे होता है। शादी होगी ना, सारे रिश्तेदार गए, फिर करते हैं और कोई नहीं है अभी। देखो पाजी, ये लड़की हमारी बहुत संस्कारी है और बहुत मेहनती है, आप इसके सर पे थोड़ी सी रुई लगाओ, पैर पे लगाओ एयरबड। ये ना सिर्फ देखने का नजरिया है पाजी, इन्हें लगता है कि मैं ईयरबड हूँ, अब बाकी लोगों को लगता है कि हम उनके लव बर्ड हैं। तो कपिल भाजी दोनों को साथ में खड़े करके तो देखें कैसी जोड़ी लगती है। तुम्हारा अपना मंत्री कर रहा है। अजी वैसे एक जनता के डिमांड है, साथ में खड़े हो, साथ में दो। आओ ना जीजू, उठो ना प्लीज। ठीक है जी, क्या जोड़ी लग रही है यार। सच्ची ऐसे लग रहा है कि जाट ने छप्पड़ तो ऐसे बतक निकाला हुआ। आई आई, अरे नहीं नहीं, लड़की बड़ी संस्कारी, सारा घर का काम जानती है। जानती भाई सोचो कुछ इसके बारे में। हाँ हाँ, और शादी के बाद सब्जियां मैं बना लूंगी, आप बस रोटी बना लीजिएगा। क्यों रोटियां बनाएंगे, ढाबे पे लगे हैं ढाबे। नहीं वो क्या है ना, वो मुझसे रोटी ना चकोर बन जाती है। आप चकोर बनाइए, गोलियां खुद कर लेंगे। देखो बाजी हॉकी की बहुत बड़ी फैन है, आपको पता है जहाँ भी आपका मैच होता था ट्रक के पीछे लटक के जाती, नंगे पैर पहले पहुंच जाती थी, है ना फैन है ना। कौन सा मैच देखा बताइए। ओ अजलान शाह कब देखने गई थी, वो भी इसने कब सुना, तो कप और प्लेट का सुनते ना ये लोग निकल जाते हैं, इनको लगता है शायद खाने पीने का सामान मिलता है। दीदी मुझे लग रहा है ना कुछ जलने की बू आ रही है। एक मिनट, तुमने गैस पे दाल तो नहीं रखी थी? अरे जल गई वो, फिटे मुझ तेरा दफा हो यहाँ से। अच्छा कुकर जानबूझ के नहीं बंद करती, सीटियां बड़ी एंजॉय करती है, चलो कोई तो मार रहा है। अल्लाह आज तूने कहा नहीं, मेरे दादाजी बड़े बहुत बड़े हॉकी हैं। वो हॉकी नहीं, हॉकी प्लेयर थे, और पता है ध्यानचंद जी ने खुद अपनी हॉकी उन्हें दी थी। ये भी तो बता कहाँ दी थी, इधर दी थी उन्होंने। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे खानदान से, बोलो क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया ना उन्होंने। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तुम फालतू में खामखा बात बिगाड़ देते हो। दीदी अच्छा सरला बात तो सुन, इधर तबीयत ठीक नहीं सरला की, इधर कम है क्या? अरे छोटे चूजे। तबीयत ठीक नहीं है बच्चे की, शाबाश। मैं जाऊं? जा अंडे की पीली जर्दी जा। यार चुप तो रुको, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। बम्पर तुम यहाँ क्या कर रही हो, अंदर मरीज मर रहा है। जाने वाले को कौन रोक सकता है, ऊपर वाला। कैसी नर्स हो, खूबसूरत। अंदर पेशेंट का पेट खुला हुआ है। तो मैंने ही खोला है, उसने चीटिंग की मेरे साथ, पता है मुझसे कह रहा था कि बम्पर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं खोल के देखूंगा। मैंने खोल के देखा, उसका दिल उसी के पास था। चीटर झूठ बोलता है, मैं नहीं उसको बंद करने वाली, खुला पड़ा रहने दो उसको। बम्पर तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगी। हाँ तो निकाल दो, वैसे भी हॉस्पिटल में मेरा कोई खास काम नहीं है, मेरा मेन काम यही है। और मेरा फेवरेट फूड दही है। कपू शर्मा सही है, नहीं है तू अभी तक यही है। कपू शर्मा, हाँ जी, आपको पता है कि 29 फरवरी 4 साल में एक बार क्यों आता है? क्यों?
क्योंकि हर साल वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम बड़ी स्वीट नवंबर हो ना, जो सब तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम यहाँ पर बीच में घुस क्यों रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर हम हॉकी का अखिल भारतीय सम्मेलन चल रहा है हमारा। तुम्हारा हॉकी से क्या लेना देना है? नहीं, लेना मेरा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह बड़बड़ करती रही ना तो देना जरूर हो सकता है। ओ गॉड, धीरे धीरे, जरा मुझे टिकल भी होता है। हेलो, हाँ अच्छा, मैं आपसे आके मिलती हूँ ना, आप रुक जाइए, मेरा थोड़ा जरूरी काम आ गया तो मुझे जाना होगा, ओके? लेकिन आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई मुझे, थैंक यू वेरी मच, ओके? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.